गोरखपुर और फूलपुर में हुए उपचुनाव में आए रुझानों में सपा के प्रत्याशियों की जीत पर आज समाजवादी पार्टी के कर्ताओं ने नवीन मार्केट शिक्षक पार्क में जमकर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी। उत्तर प्रदेश में और बिहार में लोकसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय राजनीति में एक नया समीकरण पैदा हुआ है, दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के जो एक गठजोड़ बना है, हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट और गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ की सीट, कप्तान जो उत्तर प्रदेश के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं, इन दोनों को सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश की जनता ने पराजय का मुंह दिखाया। शुरुआती रुझान में जिस तरीके से योगी जी ने मीडिया कर्मियों को रोक कर 10-10 राउंड की जो परिणाम थे उसको रोका और देश के सामने उस परिणाम को नहीं आने दिया, जब मीडिया के लोगों ने इसको वायरल किया तो बाद में डीएम को खुद आगे आना पड़ा और आकर उन्होंने जिस तरीके से पराजय की जो लीड की जो संदेश दिया है आप लोगों के माध्यम से, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों के विरोध में दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक का जो गठजोड़ पैदा हुआ है भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी को आज क्या किया है आने वाले लोकसभा चुनाव में ये फाइनल के रूप में हम लोग 2019 में इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे, ये संदेश दिया है। आज हम लोगों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की है, अब हमारे पार्टी का नेतृत्व जो नगर का है, हम लोग सब लोग जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में उनके नेताओं को बधाई देने और मिठाई खिलाने। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर सपा और बसपा की गठजोड़ की सराहना करने के साथ ही बुआ और भतीजी की जोड़ी को हिट बताया। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।